उज्जैन के नागदा में तमाम पटवारी आंदोलन की राह पर है। पटवारियों की मांग है कि तहसीलदार सर्वेश यादव को यहां से तत्काल हटाया जाए। गौरतलब है कि नागदा में कुछ दिन पहले अनुविभाग के अंतर्गत पंचायत रजला और पुनाखेड़ा में काम करने वाले पटवारी आशीष कुमावत को निलंबित कर दिया गया था। इसी बात को लेकर नागदा में जिले भर के पटवारी संघ के सदस्य एकत्रित हुए और फिर एसडीएम कार्यालय का घेराव करते हुए नागदा तहसीलदार सर्वेश यादव को हटाने की मांग करने लगे। पटवारी संघ के बैनर तले शुरू हुई इस हड़ताल में पटवारियों ने नारेबाजी की और सर्वेश यादव पर मनमर्जी करने के आरोप लगाए। पटवारियों का कहना था कि तहसीलदार सर्वेश यादव वरिष्ठ अधिकारियों को गलत रिपोर्ट देकर पटवारियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। इससे जिले भर के पटवारी नाराज नजर आए और उन्होंने तहसीलदार सर्वेश यादव को हटाने की मांग की। जिला पटवारी संघ के अध्यक्ष भगवान सिंह यादव ने इस मामले की जानकारी दी। उधर पटवारियों ने एक शिकायती ज्ञापन देकर तहसीलदार को हटाने की मांग की, जिसके बाद एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने पटवारियों को आश्वासन दिया। हमारे एक पटवारी व्यवहार साथी श्री आशीष कुमार जी को सस्पेंड किया गया है बिना किसी कारण के। वो एक योग्य पटवारी है, हमारे यहाँ भी तहसील हाथरोद में भी वो रहे हैं। किसी ग्रामवासी द्वारा उनकी ना तो आज तक शिकायत की गई, ना पूर्व में शिकायत की गई, नहीं उनकी कोई सीएम हेल्पलाइन है। इवन सस्पेंड करने से पूर्व उन्होंने एक स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना चल रही है, उसके नक्शे उन्होंने गाँव बुकिंग करके जमा किए और उसमें कारण लिखा है कि व्यक्ति गाँव में उपस्थित नहीं होता है, तो बिना उपस्थिति के उन्होंने स्वामित्व योजना का काम कैसे करके प्रस्तुत कर दिया। देखिए, इसमें कुल मिला के ये है कि पटवारी आशीष कुमावत कर रहे हैं जो जिनको कलेक्टर मोदी के आदेश से तहसील नागदा में अटैच किया गया था और उनके पश्चात उनको 2 या 3 हलकों का प्रभार दिया गया था। ऐसी जानकारी कई जगह से आ रही थी कि वो मौके पे उपस्थित नहीं होते हैं, कई एक एक 2-2 महीने से वो मौके पे नहीं आए हुए हैं। मेरे द्वारा भी और तहसील साहब के द्वारा जब मौका जाँच की है, सभी हलकों में जाके पूछा गया, वहाँ के कोटवारों से, वहाँ के जो मुख्य लोग हैं उनसे, किसान नेता है, उन सबको बुला के जब देखा गया तो पंचनामा वगैरह बनाया था हम लोगों ने उसमें, और पाया गया था कि वो अनुपस्थित रहते हैं लंबे समय तक। और ऐसा इसके पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। इसके पूर्व भी जो स्वामित्व की जो विशेष योजना चल रही है सरकारी की, बड़ी महत्वपूर्ण योजना है जिसमें आबादी के प्रत्येक जो घर है उसकी मैपिंग किया जाना है। इस संबंध में भी जो इनके द्वारा जो दस्तावेज थे वो समय रहते प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि जो अनुशासनहीनता इनके द्वारा की गई थी, जो व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं जिसमें कोई निर्देश नहीं डाला जाता है, उस संबंध में सभी लोगों को भड़काया जाता था, कोई भी नहीं जाएगा मीटिंग में, ऐसा करके सबको बोलना। और कोई शनिवार को जैसे तेसरा साहब ने एक बार बैठक बुलाई थी 4 बजे, तो उसमें भी इन लोगों ने सबको भड़का के कोई भी बैठक में नहीं जाए करके छुट्टी कर दिन है। कई बार यह होता है शासन का काम यदि हम लोग कर रहे हैं तो ऐसा निजी काम तो है नहीं, शासन का काम यदि है और ज़रूरत पड़ती है ऐसी महसूस होती है तो बिल्कुल अधिकार है ऐसा बुलाने का। उस संबंध में बैठक बुलाई गई थी जिसका इनके द्वारा एक तरह से बहिष्कार किया गया। कई व्यक्तिगत आरोप भी इनके द्वारा लगाए गए हैं जो तहसीलदार साहब हैं सर्वेश यादव जी पे, कोई जांच का विषय है। इस संबंध में इनके द्वारा पेंड्राइव भी दी गई है, माननीय कलेक्टर मोदी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है।